अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कास अहमद और आप देख रहे हैं कास अहमद ऑफिशियल। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोगो के बारे में कि आप अपने फेस का लोगो किस तरह बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्स आर्ट। यह आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने यहाँ नीचे प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उसके अलावा नीचे जाके आपने यहाँ से ड्राइंग के साथ एक सी ऑल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आएंगे। आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड वाइट और 1280x720 है यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ है ये आपने चूज़ करना है। यहाँ से ऊपर एरो के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आपको लेयर वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से भी आपने एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा सेव एंड शेयर और एडिट इमेज, आपने एडिट इमेज पर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आगे जाके ऐड फोटो। आपने जिस फोटो का भी आपने लोगो बनाना हुआ वो आप गैलरी से चूज़ कर लें। मैं इस फ़ोटो को चूज़ करता हूँ और यहाँ से ऐड वन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरे से पूछेगा क्रॉप, यहाँ से आपने पहले अपनी फेस क्रॉप कर लेना है। फेस का सिर्फ आपने लोगो बनाना है, फेस को आपने यहाँ से क्रॉप कर लेना है। यहाँ से फेस क्रॉप कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप फेस को क्रॉप कर लेंगे यहाँ पे टिक का निशान मिलेगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसे अपनी स्क्रीन के मुताबिक आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। जैसे आप इसे एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इफेक्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से शुरू में एंड पे जाके कलर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आगे ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ऊपर आपने टिक पे निशान लगाना है और साथ ही ये आपको इस किस्म का देगा। दोस्तों जहाँ से आपने ऊपर टिक के बटन पे क्लिक करना है यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से नीचे थ्री लेयर्स, यहाँ से आपने पहले वाइट चूज़ करना है। यहाँ से जो कलर का ऑप्शन है इसके बाद यहाँ पे आधा ब्लैक और आधा वाइट, यहाँ से आपने आधे को वाइट चूज करना है। दोस्तों ये दूसरे वाला जो है इसे आपने फुल वाइट पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ थ्री लेयर्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने रिमूव जो बटन है, ये रिमूव का बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है। और जो आपकी फेस के अलावा जो दूसरी इमेज फेस के अलावा जो सारा कुछ है वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ से दोस्तों रिमूव करता हूँ, ये इस पर क्लिक करके ब्रश पे क्लिक करना है आपने। सॉरी ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये रिमूव होता आपको दिखाई देगा। और यहाँ से आप अंडू भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ से आप इसकी साइज़ वगैरह लार्ज कर सकते हैं और यहाँ से कैपेसिटी भी सही कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका दूसरा साइज़ दे देता हूँ, यहाँ से सेट कर लेता हूँ। अब ये मुझे सही रिमूव करके देगा। तो आपने रिमूव करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप फेस के अलावा सब कुछ रिमूव करें, फेस रिमूव ना करें आप। दोस्तों यहाँ से आपने ऊपर टिक का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना।
से आपको नीचे दोबारा ड्रॉ पे जाना है और यहाँ पे आपको ये सर्कल ओवल सा नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ये सर्कल चूज़ कर देना है, इसका साइज़ तकरीबन 7-8 पे भी रख लेते हैं। यहाँ से ओके करना है आपने, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो सर्कल ड्रा हो गया, यहाँ से आपने इसकी कैपेसिटी फिर चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ पे टिक पे कहा है टिक चूज करना है, यहाँ से आप दोबारा यहाँ पे आके टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं अपने चैनल का नाम आपने पहले क्लब ब्लैक कर लेना इसका। इसके बाद यहाँ से आपने फ़ोन आप जोन सा भी रखना चाहिए, यहाँ पे बहुत से फ़ोन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला फ़ोन चूज़ करता हूँ। तो ये फ़ोन चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है और दोबारा यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है। इसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड चूज़ किया है दोस्तों, आपने भी नेट वगैरह से गूगल से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड चूज़ करना है डाउनलोड करना है, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ। और यहाँ पे स्क्रीन के पहले यहाँ से क्रो कर लेते हैं जितना बैकग्राउंड है। यहाँ से टिक पे और इसे पूरी स्क्रीन जहाँ तक मेरा लोगो है वहाँ तक पूरा मैं साइज इसका बढ़ा देता हूँ। यहाँ से आपने ब्लेंड पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही आप ब्लेंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा नॉर्मल स्क्रीन मल्टीपल, आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जिस तरह भी इसे रखना चाहें आप इसे रख सकते हैं, इससे आपके लोगो को अच्छा लुक मिलता है। यहाँ पे इस तरह करके आपने यहाँ से टिक पे एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से दोबारा टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा और सेव टू कैरी आपका सेव हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।